हैं आप लोग। सो गाइस, सो हेलो, वेलकम बैक टू द। आज हम खेलने वाले माइनक्राफ्ट, वो पुराना वाला माइनक्राफ्ट, मतलब वैसा पुराना नहीं, मतलब हमारा एक पुराना वर्ल्ड था वो वाला माइनक्राफ्ट। क्योंकि जो अभी हमने एक वर्ल्ड बनाया था, वो वर्ल्ड जो अभी इसमें खेला था वो वर्ल्ड मिल नहीं रहा है, तो मेरे को ये पुराना वाला वर्ल्ड मिल गया। तो मैंने इसमें एक मेहनत कर कर और बिना क्रिएटिव कर एक चीज़ बनाई, वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, पर दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस और देख रहे हो, मैंने बिल्कुल सर्वाइवल में बनाया, बिल्कुल क्रिएटिव में करा, आप देख सकते हैं। अगर अब चलते हैं इसमें गाइस, और अगर आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं, मेरी गिल्ड तो नहीं है, मतलब वो गिल्ड बोल रहा हूँ, फ्री फायर खेलते रहते हैं गिल्ड के लिए, क्या नाम है उसका, सर्वर तो नहीं है, पर आप इस पे आप ये नाम लिखा है, मतलब इस पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। और गाइस ये देखिए घर, मैंने एक न्यू घर बनाया आपको, मेरा पुराना घर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि मैं मेरी वीडियो देखते ही नहीं कोई, मतलब ज़्यादा लोग है ना, तो ये बोलते हैं अपना। मैं वैसे थंबनेल लेने चढ़ा था ना पे बस। चलो मैं आपको पहले पुराना घर दिखाऊंगा, फिर अंदर से दिखाऊंगा, ऐसा कुछ खास नहीं है मेरा नया घर भी, पर मैंने एक रास्ता बनाया पूरा पुराने घर पे चलने के लिए। चलो पता कैसे, देखो आयरन भी था नहीं पे कहीं, ये देखो आयरन भी मिल चुका था मुझे जब ये रास्ता बनाया मैंने, मतलब ऐसे ही बनाया। ये देखो मेरा पुराना घर क्या हुआ गाइस, जब मैं है ना सामान इकट्ठा कर रहा था, मैं वुड तोड़ के लाया, मैं रात को आया, मैं यहाँ पे आया, और जब भी हुआ एक तो गाइस यहाँ पे एक धमाका हो गया था, क्रीपर व्रीपर फूट गया था, फिर मैं जल्दी से मेरा बेड लेके गया, फिर मैंने वहाँ पे लगाया, और मैंने बहुत सारी चीज़, और मैंने इस पर SD भी लिखा है, SD गेमर का SD, और घोड़े भाई ये क्या आइडिया, इसको मैं टेम कर लेता हूँ, देख रहा हूँ वो पहली बार में टेम कौन सा घोड़े, पर मेरे पास सैडल नहीं है यार, कोई दिक्कत है ये क्या, ठीक है। तो अब अंदर से इसको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे पहले दो ट्रैप डोर लगाए हैं, ये ऐसे ऐसे बंद होते हैं, सबको ही पता है, ठीक है। तो ये ऊपर SD स्टोन्स लिखा है, अगर फिर हम बहुत अभी तो शुरुआत करिए, जब बहुत अमीर हो जाएंगे, जब लिखेंगे अपन क्या नाम है उसका डायमंड के ब्लॉक से, डायमंड तो छोटी चीज़ है, नेदरराइट के ब्लॉक से, हड्डिया घोड़े साइड, फिर अब 2 सेकेंड, चलो कोई नहीं, चलो 2 सेकेंड वेट करना गाइस प्लीज। तो मुझे अंडा चाहिए था, क्योंकि नारियल फोड़ के अंदर जाना चाहिए, पर एक गेम में नारियल होता नहीं, मुझे अंडा चाहिए था, पर अंडा मिला ही नहीं मुझे, इसलिए हम यहाँ पे रिबिन बांधेंगे, क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ, इसलिए ये वाली रिबिन बांधेंगे। ठीक है, तालियाँ 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 तालियाँ, चलो अंदर चलते हैं, चलो अंदर। सबसे पहले आते ही हमारा कारपेट, जिससे आप आपके पांव पोछ सकते हो अच्छे से, ऐसे 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 करके, चलो पांव पोछ गए। अब ये सबसे पहले आता है, फिर हमारा ये चेस्ट जिसके अंदर रखा हमारा सामान, डायमंड्स, देखो कितने सारे डायमंड्स है, ये देखो ये डायमंड, ये डायमंड, अरे मेरा डायमंड था ब्लॉक, ठीक है। फिर ये है हमारा एक और चेस्ट, इसके अंदर डायमंड नहीं है, इसके अंदर गोल्ड है, ये देखो गोल्ड, दोस्त समझ गए होंगे कि मजाक कर रहा हूँ। फिर ये हमारे ऐसे ही सजावट के लिए ट्रैप डोर लगा है यहाँ पे, और ये मेरा लाल कलर का बेड, ये डेकोरेशन, और ये ऐसा मतलब ऐसा डेकोरेशन, ये भी जस्ट डेकोरेशन। और फिर क्या बोलते हैं, तो आज वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि आज हम माइनिंग करने वाले हैं, माइनिंग। अरे यार चलो पहले खाना खाते हैं, हेल्थ वो तब यार कुक्ड खाना नहीं है क्या, है 6 मटन है पकाया था उस दिन, मम्मी हो गई मेरी फुल टमी, मतलब मेरा पेट फुल भर चुका है। तो अब हम करेंगे माइनिंग, चलो डायरेक्ट माइनिंग पे।
अरे ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। अरे तो गाइस मुझे ऐसे केब चाहिए क्योंकि 1.19 है, पर 1.18 में आ गए थे बड़ी बड़ी केब, तो यहाँ पे केब मिल सकती है। और मैं यहाँ पे, ये मेरी माइनिंग नहीं है, माइन नहीं है मेरी, इसलिए है ना। और मुझे आयरन की, अभी आयरन की सख्त जरूरत है। तो चलो इधर, शायद से मुझे याद है जब मैं घर बना रहा था, जब इधर कहीं केव है शायद से, एक केव तो थी वहाँ पे कहीं, सॉरी इधर तो मैं आया भी नहीं। हाँ ये था, थोड़ा इधर आया था थोड़ा सा, पर इधर मैं वो केव नहीं मिली थी। ये हो, हाँ ये आया था ना, मैं आया था, मुझे याद है। थोड़ा बहुत तो आयरन मिल जा। हाँ गए, यहाँ पे बहुत सारा आयरन मिल सकता है, तो पहले ऊपर चलते हैं। अरे यार रुक गए, ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, कहाँ से जाऊँ भाई, बचा लो। खुद जा। कहाँ जा रहा हूँ मैं, चलो वापस बाहर। हाँ ये बढ़िया केब मिल गई एक। क्या यार शाम होने वाली, अरे चलो हाफ आर्ट जाने से बचा लिया। गैस तो मैं सबसे पहले बनाऊंगा, अगर मुझे 6 आयरन मिले, एक वाटर बकेट और एक, तो अब कोल ढूंढना पड़ेगा पहले। हाँ पहले अब जाके सोते हैं, वरना क्रीपर रुलाएंगे। गैस हाँ एक और चीज़ आपको बताना है, जब मैं घर बना रहा था तो ये मतलब पूरा बन गया था, बस थोड़ी सी चीज़ बाकी थी। मैं आ रहा था घर में, एक जोम्बी घुस गया, मैं गेट बंद नहीं कर पाया, वो जोम्बी को मैंने मारा, क्रीपर आ गया जैसे घर में, मैं इधर से ऐसे भागा, पर वो क्रीपर फूट गया, मेरा पूरा घर का सत्यानाश कर गया। फिर मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने क्रीपर को पूरा, फिर मेरे को जहाँ भी क्रीपर दिखते हैं मैं उनको मार देता हूँ, वो अलग बात है। उसके बाद अगर कभी नहीं मरते तो बूम ब्लास्ट। बस 2 ही कॉल मिले क्या यार, मुझे लगा मेरे घर पे, मेरे घर के नीचे ही रास्ते में कॉल मिल जाएंगे। कॉल कॉल कॉल, चलो जब भी 8 टॉर्च बन जाएगी, 8 टॉर्च से फिर और कॉल मिल जाएगा, फिर और कॉल से। कहाँ गया कहाँ गई, 2 टॉर्च तो पहले से ही पड़ी है, वो डी गेरी। बस बस इतनी बहुत बहुत है, भी 2 ही कॉल है। चलो थोड़ी बहुत वुड भी ले चलते हैं अपन अपने लिए। चलो क्राफ्टिंग टेबल ले चले, क्राफ्टिंग टेबल। चलो कोई ज़्यादा सामान नहीं ले जाएंगे अपन माइनिंग पे, क्योंकि है ना क्राफ्टिंग टेबल ले चलते ना, क्योंकि ज़्यादा सामान इसलिए नहीं ले जाएंगे गाइस, क्योंकि क्या होगा ना, ज़्यादा सामान ले जाएंगे ना अपन तो अपन मरेंगे, तो अपना रिस्पॉन पॉइंट नहीं कहीं है आस पास में, या दूर भी हो सकता है ये भी। तो अपना बेड पे है ना, हाँ अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट बेड पे है, नहीं कहीं पे, क्योंकि गाइस है ना, क्योंकि जब मैं एक बार और मरता, जब मेरा क्रीपर ने बेड पर, तो वहाँ पे जहाँ पर वो मेरा टूटा फूटा घर है। चलो अब माइनिंग पे चलते हैं, और कुछ मिलता है तो बताता हूँ आपको मैं। लेट्स गो टू माइनिंग। तो गाइस हमारा आयरन आ चुका है, मैंने 32 आयरन खोद लिए। और गाइस आप ये मत समझना मैंने क्रिएटिव मिस करा है, फिर देख लो ये, देख लो गाइस ये अभी भी सर्वाइवल का ही है, और इसको अगर ऐसा करेंगे तो वो कंटिन्यू पूछेगा, तो मैं सर्वाइवल में हूँ। देख लो गाइस मैंने सर्वाइवल में खोदे हैं पूरे। और गाइस मेरी एक पिकअक्स टूट गई थी, मैंने डबल से लाई, ये डबल से बनाई है मैंने घर पे आके, फिर मुझको याद आया मेरे पास वुड भी है, वहाँ पे कोल भी बहुत सारा था और मुझे आयरन भी बहुत सारा मिल गया। तो गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।